नामा मेरे सामने पढ़ दीजिए, जरा पढ़ दीजिए, पढ़िए पढ़िए वो। मैं अभी, अरे सुनिए ना गौरव, गलत आदमी से मिल रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। अच्छा, किसानों को मिल नहीं रहा जो केंद्र सरकार देना चाहती है, आप वो समझा रहे हैं। किसानों को MSP मिल रही है, दिल पर हाथ रखकर बोलना, किसानों को MSP मिल रही है। जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स लगा रहे तो हमें क्या दिक्कत, हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, आपको भी लेकर लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा, दिक्कत है तो नहीं लगाऊंगा। कोई दिक्कत है तो मैं आपको आपको हेल्प भी करूंगा लगवाने में। मैं लगाऊंगा ही नहीं। अच्छा। किसानों के 300 यूनियन है, उसमें से खाली 10-15-20 यूनियन बोल रहे हैं हमको ये 10-15-20 अगेन फैक्ट्स कितने गलत रखती हैं। बाकी जो 250 संजू आपको पता ही नहीं, आप फॉलो भी कर रही हैं किसान आंदोलन को। देश में मीडिया डिबेट में सरकार के नेता मौजूद रहते हैं, फिर भी ज्यादातर सवाल विपक्ष के नेताओं से ही होते हैं। मीडिया की डिबेट के मुद्दों में सरकार की बात कम और विपक्ष के नेताओं की ज्यादा होती है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे पत्रकार की बात करेंगे जो डिबेट में सवाल सरकार के नेताओं से ही करते हैं और मुद्दे भी सरकार की नीतियों से ही जुड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। आज हम उनकी हाल ही की कुछ डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर भाजपा नेताओं से सवाल किए। News24 पर किसानों के मुद्दे पर एक डिबेट में भाजपा नेता ने अपनी बात कहते हुए MS स्वामीनाथन द्वारा 3 कृषि बिलों पर समर्थन की बात कही, जिस पर संदीप चौधरी ने भाजपा नेता की बात का पलट जवाब दिया। इसके बाद भाजपा नेता लड़खड़ाते नजर आए। जब ये 3 कानूनों का अध्यादेश आया, स्वामीनाथन जी का इंटरव्यू है, उनसे पूछा गया क्या ये किसानों के हित में है, उन्होंने समर्थन किया कि हाँ मंडी के, इसलिए तो मैं कहता हूँ गौरव, इसीलिए मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छे वकील हैं। अब गौरव, अब मेरी बात सुनिए। स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन बाबू ने कहा कि मेरी सारी रिकमेंडेशंस लागू हो गई। आप कहते हैं, एक मिनट अब सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना, अभी मैं और आप ही हैं, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, क्लैरिफाई हो जाए सारी चीजें, क्लैरिफाई हो जाए। आपने कहा ज्ञानवर्धन मैं करना चाह रहा हूँ, दर्शकों का भी अपना भी, लागत पर 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं क्या? फरवरी 7 फरवरी तारीख के साथ बता रहा हूं, 2015 सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया 2 जज बेंच के सामने। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा, वो हलफनामा मेरे सामने पढ़ दीजिए, जरा पढ़ दीजिए, पढ़िए पढ़िए वो। मैं अभी, अरे सुनिए ना गौरव, गलत आदमी से मिल रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, पढ़िए, अरे सुनिए गौरव, सुनिए क्या हो गया। News24 पर MSP के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता सरकार द्वारा किसानों को MSP देने को लेकर तारीफ करने लगे। तभी संदीप ने भाजपा नेता को अपने तीखे सवालों में लपेटा, जिस पर भाजपा नेता ठीक से जवाब न दे पाए। बहुत धन्यवाद आपका, ये आपने विषय छेड़ा मुट्ठी भर अनाज का, ये इसलिए वहाँ पे विषय आया क्योंकि वहाँ पर जो सम्मान निधि है वो वहाँ पे लागू नहीं होने देनी ममता बनी, ताकि किसान को समझ लगे कि जो उसको सरकार की, भारत सरकार की ओर से मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा। अच्छा, किसानों को मिल नहीं रहा जो केंद्र सरकार देना चाहती है, आप वो समझा रहे हैं। किसानों को MSP मिल रही है, दिल पर हाथ रखकर बोलना, किसानों को MSP मिल रही है? बिल्कुल मिल रही। अच्छा, मिल रही है, कोई MSP बंद नहीं हो रही? नहीं बंद, ना 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 ना, सवाल को ना 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 ना, MSP आपने लिख दी, वही जो MSP कागज पर लिखी हुई है वो जमीन पर खरीदी हो रही है, सवाल मेरा ये है। अरे सुनो दोस्त, ये आज से थोड़ा सरकार MSP पे दे रही है, ये बताइए 1850 का मक्का 800 रुपए में कौन खरीद रहा है, 5515 की नरमा कपास 3200 रुपए में कौन खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है बताइए ना, खुलासा कीजिए। आप रोज News24 पर एक और डिबेट कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर हुई। इस डिबेट में संदीप ने भाजपा नेता से कोरोना वैक्सीन को बीच ट्रायल में मंजूरी देने वाले विवाद पर अपना पक्ष रखने को कहा, जिस पर भाजपा नेता बात टालते नजर आए, लेकिन संदीप ने उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। मैं भी प्राउड इंडियन हूँ, आप भी प्राउड इंडियन हूँ, आप कोवैक्सीन लगवाएंगे? जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स लगा रहे तो हमें क्या दिक्कत, हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, आपको भी लेकर लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा, दिक्कत है तो नहीं लगाऊंगा, कोई दिक्कत है तो मैं आपको आपको हेल्प भी करूंगा लगवाने ना, में मैं लगाऊंगा ही नहीं। देखिए संदीप जी, इसको डिस्पाइट बीइंग अ प्राउड इंडियन, नो नो, आप मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप प्राउड इंडियन है, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल शिकार भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल शिकार। देखिए इसमें, हाँ बिल्कुल, आप इसको राजनीतिक कलर दे रहे हैं और नहीं नहीं नहीं, मैं सवाल, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा, मैं इसको वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ आज, इसलिए बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन लीजिए कि इसको कोई भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है, बट जो उन्होंने जो एजेंसी बनाई है सरकार ने, आज तो नहीं बनाई है, मतलब ट्रायल पूरा ना हुआ हो, तीसरे चरण के ट्रायल्स चल रहे हो, डेटा सामने ना हो, पर आपने अप्रूव कर दिया।
किसान आंदोलन के मुद्दे पर न्यूज 24 पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता सरकार की तारीफ करती नजर आई। जब संदीप ने किसानों के हक में सवाल उठाए तो वे उन्हें टोकने लगी, जिस पर संदीप ने भी पलटवार किया। आज जब मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन द्वारा गठित जो रिकमेंडेशंस थे उनको लागू करने का अपना दायित्व समझकर कहा कि हम लागू करेंगे, हर कोई झंडे लेकर खड़े होकर कह रहा है भाई ये आपने क्यों लागू, तो मतलब लागत पर डेढ़ गुना दे दिया। ये इतनी बार मैं डिबेट कर चुका हूँ, फिर से समझाना ऐसा लगता है कि थकान हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ निरंतर बातचीत क्यों नहीं हो रही, प्राथमिकता है क्या सरकार की इसकी सोल्यूशन निकालना या थका देना चाहते हैं किसानों को? कोई प्रॉब्लम है संदीप जी, किसानों के सशक्तिकरण से आपको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा आप तय करेंगी जिनको सशक्तिकरण जिनका कर रही है वो करें, नहीं भैया ऐसा सशक्तिकरण ना करो। आपने तय कर दिया वो फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल। वो कह रहे नहीं चाहिए ऐसा सशक्तिकरण। 300 यूनियन है किसानों के। अच्छा। किसानों के 300 यूनियन है, उसमें से खाली 10-15-20 यूनियन बोल रहे हैं हमको ये 10-15-20 अगेन फैक्ट्स कितने गलत रखती हैं। बाकी जो 250 संजू आपको पता ही नहीं, आप फॉलो भी कर रही हैं किसान आंदोलन को। संदीप अक्सर जनता के मुद्दे उठाकर देश के सामने रखते हैं और सवाल सरकार के नेताओं से ही करते हैं और देश तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।